नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग करेंगे 7, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या कह सकते हैं HSRA का गठन खालिस्तान वर्ष में अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो ऑप्शन डी 1928। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह जो है वो कौन सा है। ऑप्शन सी कराची का बंदरगाह। अगला है शीत निद्रा, हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा जो है वो क्या है। तो वो है आपकी ऑप्शन सी, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। अगला है जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली खालिस्तान देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। तो ऑप्शन बी नेपाल देश की। रौलट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में खालिस्तान को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1919। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे। तो ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी लेटिट्यूड या कह सकते हैं अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण है। तो ऑप्शन डी प्यूपा। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से क्या आशय है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 350। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वी नारायण शाह। पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो ऑप्शन सी गोल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसभक्षी है। तो ऑप्शन बी वीनस फ्लाइट ट्रैप। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। तो पश्तून। 1920 का खिलाफत आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तो तुर्की। अगला है, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं। तो ऑप्शन बी 4 कैनाइन दांत होते हैं। अगला है, अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है। तो ऑप्शन डी नीति आयोग। सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। तो ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगये बांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था। तो 1972। अगला है,
मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 26 अगस्त 1910 को। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ना कि कार्बनिक के रूप में? तो ऑप्शन सी साइनाइड्स। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। वर्ष 1952 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक खालिस्तान को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जैमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थीं जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ किला। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ऑप्शन बी रामानंद। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। धातु ऑक्साइड का स्वरूप खालिस्तान होता है? तो ऑप्शन सी क्षारीय। अगला है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी मनसबदारी प्रणाली। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी कन्याकुमारी। सुनामी खालिस्तान के कारण होता है? तो ऑप्शन ए पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। अगला है, खालिस्तान भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन सी बाबर। एशियाई विकास बैंक ADB ने अपने आउटलुक अनुपूरक में चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7.3% और अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए खालिस्तान परसेंट बनाए रखा है? तो ऑप्शन सी 7.6%। मार्बल कैंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं? तो ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? तो ऑप्शन ए कपूरथला। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आर्निथोफिली। अगला है, खालिस्तान रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरित मानस नामक कविता भी लिखी थी? तो ऑप्शन सी तुलसीदास। हाल ही में सुर्खियों में रही चंबा सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड चार धाम परियोजना का कार्य किस राजमार्ग पर चल रहा है? तो NH 94। चर्चा में रही पुंटियस सेक्टस किसकी प्रजाति है? तो ऑप्शन सी मछली की। हाल ही के दिनों में ओपन स्काई ट्रीटी सुर्खियों में रही कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी इंडिया। ओपन स्काई ट्रीटी के संबंध में सही कथन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर,
उपरोक्त सभी मतलब कौन कौन से हैं, पहला देखिए क्या है, अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा की है। दूसरा है, इस संधि में कुल 35 देश शामिल हैं। यह संधि हवाई निगरानी से संबंधित है। भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 HP के इंजन के निर्माण का कार्य शुरू किया है। इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया? तो ऑप्शन ए, फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम। भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम जो है वो कितनी है? तो 20 लाख करोड़। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी, विदेशों में बसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाना। भारतीय खिलाड़ी बालवीर सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजीवन जोशी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।